5G टेक्नोलॉजी को लेकर काफी बस बना हुआ है। हाल ही में इंडिया में 2 5G फोन्स लॉन्च हुए। इसी को देखते हुए आइए आज बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। हम जानेंगे कि क्या है ये टेक्नोलॉजी, इंडिया में इसका क्या स्टेटस है और फिलहाल हमें इसको लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि हाल ही में इंडिया में 2 5G फोन्स लॉन्च हुए हैं, रियलमी का रियलमी X50 Pro और iQOO 3। लेकिन ये आए हैं बड़ी रकम पर। रियलमी X50 Pro 38,000 का है और iQOO 3 5G की प्राइस है 44,990। लेकिन जब 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में है ही नहीं तो अभी कोई ये फ़ोन क्यों खरीदेगा, ये एक अहम सवाल है। अब थोड़ा बेसिक जानकारी के लिए जान लेते हैं कि 5G क्या है। फिलहाल तो ज़्यादातर लोग, खासकर शहरों में रहने वाले लोग, 4G नेटवर्क्स चला रहे हैं। हाल ही में एयरटेल ने पूरी तरह से 3G सर्विसेज को 4G से रिप्लेस किया है। तो नाम से ही जाहिर है कि 5G 4G से काफ़ी एडवांस्ड है। लेकिन कितना एडवांस्ड, खासकर अगर स्पीड देखें तो वो कितनी बेहतर स्पीड देता है? 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना? नहीं, 4G के मुकाबले 5G में आपको 100 गुना ज़्यादा स्पीड मिलती है। मतलब जिन फाइल्स और वीडियोस को देखने या डाउनलोड करने में हमें 10 से 15 मिनट्स लगते हैं, 5G की स्पीड में वो कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएंगे। इससे ना सिर्फ तेज़ स्ट्रीमिंग और डाउनलोड मिलेंगे, साथ ही आपको जो भी वेब बेस्ड या इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हैं वो बहुत फास्ट हो जाएंगी, क्योंकि 5G का रिस्पॉन्स रेट भी बहुत बढ़िया होता है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं 5G के बारे में तो आप इस पर बनी टेक टॉक की ही एक डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इतना जान लेना काफ़ी है कि इससे एक रेवोल्यूशन की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स हर सेक्टर को मिलेंगे। लेकिन अगर हम पोटेंशियल से रियलिटी की तरफ आएं तो 5G कहाँ है? फ़ोन लॉन्च हो गए हैं और होने भी वाले हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनीज 5G को इंडिया में कब लाएंगी, इसका कोई जवाब नहीं है। अगले साल तक तो इसके इंडिया में लाए जाने के चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि भाई मोटिवेशन क्या है इसको लाने का? अब ये कौन नहीं जानता कि टेलीकॉम कंपनीज की तो बैंड मतलब हालत ख़राब है। हर कोई अपने लोन्स चुकाने में लगा है, टैरिफ भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में आई एम श्योर हम में से ज़्यादातर लोग फ़ोन प्लान्स पर और ज़्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहते। ऑलरेडी महंगे प्लान्स टैक्सेस के साथ पॉकेट पर ज़्यादा असर कर रहे हैं। 5G पर वापस आएं तो इसे लाने के लिए भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उस इन्वेस्टमेंट में जो पैसे खर्च होंगे उसकी लागत हमारे जैसे कंज्यूमर्स पर किसी ना किसी तरह आएगी। आपको याद ही होगा जब 4G आया था तब इसको लेकर बहुत बज़ था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने 4G सिम तभी लिया जब नेटवर्क्स ने इन्हें फ्री में देना शुरू किया। फिर फ्री में अगर 5G सिम मिलने लगे उससे डेटा प्लान्स पर क्या असर होगा, क्या वो महंगे हो जाएंगे? तो 5G फ़ोन महंगा, ऊपर से प्लान आए तो वो भी महंगे हो सकते हैं। एवरेज कस्टमर्स इस पर उतना खर्च करना नहीं चाहेंगे। ऐसे में कंपनीज को इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का मोटिवेशन भी कहां से मिलेगा? ग्लोबली भी ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से नहीं आई है, तो इंडिया में आने के लिए अभी कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, वो भी बेस्ट केस सिनेरियो में। फाइनली ऑलमोस्ट प्रीमियम प्राइस पर लाए जाने वाले 5G फोन्स का इंडिया में फिलहाल कोई रोल दिख ही नहीं रहा है, और ये भी साफ है कि 5G के सपने कम से कम कुछ सालों तक सपने ही रहेंगे। इससे पहले तो कंपनीज 4G सर्विसेज और कवरेज को ही बेहतर कर दें, वो भी बहुत होगा। 5G टेक्नोलॉजी को लेकर आपको क्या लगता है? क्या आप आने वाले वक्त में 5G फोन्स लेना कंसिडर करेंगे? हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ABP News आपको रखे आगे।